तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज हम लोग आए एक स्पेशल जगह पे जो कि टपकेश्वर महादेव नाम है टेंपल का, महादेव का टेंपल है। तो आज वही देखने के लिए आए हम, और ये जंगल में थोड़ा सा अंदर है, और रास्ता इतना ख़राब है ना यहाँ पे कि बाइक हमें आधा रास्ते में छोड़नी पड़ी और आधा रास्ता पैदल कवर करना होगा हमें। तो वही कर रहे अभी पैदल, और पैदल वाला रास्ता भी इतना खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी इतना ख़राब है। ये देखो आप, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे, पूरा ऊपर तक ऐसा ही है, और ऊपर व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं वो व्यू, आपको देख के भी मज़ा आ जाएगा। तो गाइस, अभी आधा रास्ता कवर कर चुके हैं हम लोग, और यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना, मज़ा आ गया। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे धूप बहुत तेज है यहाँ पे, लेकिन हवा भी उतनी ही चल रही है, तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा धूप से। सामने ये देखो छोटी सी कुटिया बनी हुई है। थोड़ा सा पहले ऊपर चढ़े हम लोग, फिर वापस अब नीचे उतर रहे हैं। अच्छा हुआ, चलो थोड़ी सी थकान दूर हो जाएगी। और अभी हम लोग को जाना है सामने के साइड, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे जाना है अभी हमें। ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है, जंगल के बीचों बीच है ये मंदिर। दिखाता हूँ मैं आपको अभी क्या कुछ कैसा है वहाँ पे अंदर वो सब। तो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर पे, अभी भी नीचे जाके दर्शन करते हैं, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसी कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे, नीचे से भी व्यू काफ़ी अच्छा है, तो वो भी देखेंगे अभी हम। तो हे गाइस, ये कुछ ऐसा नज़ारा था अंदर का टपकेश्वर महादेव टेंपल के अंदर। यहाँ पे काफ़ी झुक के चलना पड़ता है, और एक दफ़ा तो मेरा सर टकराते रह गया यहाँ पे, लेकिन जो भी हो अच्छा हुआ, मज़ा आ गया। यहाँ पे दर्शन करके जो संतुष्टि मिली ना यहाँ पे, वही काफ़ी है। यहाँ पे तो और भी छोटा हो गया, पूरा झुक के जाना पड़ता। ये देखो अभी मैं ऐसा झुका हुआ हूँ, ये मेरी हाइट है, पूरा मैं खड़ा भी नहीं रह सकता यहाँ पे, इतना छोटा है, आगे और छोटा होता जा रहा है। कोई नहीं, अच्छे से दर्शन हो गया, मज़ा आ गया। यहाँ पे देखो पूरा पानी टपक रहा है ऊपर से, और ये टपकता ही रहता है पानी 24 घंटे पूरे साल 365 दिन। दर्शन करके तो हम लोग आ गए, लेकिन अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग एक व्यू के लिए, क्योंकि सीढ़ियाँ जा रहे हैं, तो अभी हम लोग भी ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं अभी कैसा व्यू आएगा यहाँ से। मैं आया था पूरे 1 साल पहले, शिवरात्रि में आया था मैं। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा जंगल जैसा है,
इससे आगे जा नहीं सकते हम लोग क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया पूरा, अगर पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी और आगे जाना भी नहीं चाहिए वैसे रूल ब्रेक करके। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे ऊपर का और सामने पूरा जंगल का एरिया है। यहाँ सुना लेपर्ड वगैरह भी आता है कभी कभी क्योंकि पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है। वापस आधे रास्ते तो आ चुके हम लोग लेकिन सांस फूल गई पूरी, इतनी ख़राब रास्ता, इतना ख़राब रास्ता है यहाँ पे, चलते चलते पूरा हालत ख़राब हो गई। और वहाँ मंदिर के अंदर पूरा झुक के चलना पड़ता है ना, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है और अब पूरा थक जाते हो क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई दुकान वगैरह भी कुछ नहीं है कि आप पानी खरीद सको, तो पानी की प्यास बहुत लगी। और अभी हमें गाँव में जाना पड़ेगा पास वाले, उससे पहले तो बाइक तक पहुँचना होगा। बाइक तक पहुंचने में भी अभी 10 मिनट लगेंगे हमको, इतना चलना पड़ता है यहाँ। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसमें आप सेटिस्फाई हो जाते हो और ऊपर से ये व्यू मज़ा आ जाएगा। अब कभी भी गिर में आओ गुजरात में तो यहाँ पे एक बार विज़िट करना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वो झुपड़ी के साइड पहुँच चुके, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, और वो व्यू अभी हमको जाना है वो सामने वाले गाँव में, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। हाँ ये जो गाँव है ना अभी, वहाँ पे जाना है अभी हमको पानी पीने के लिए पहले, तो चलो चलते हैं। मैं मिलता हूँ आपको सीधा, अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे वहाँ पे। वो दिख रहा है सामने, वहाँ पे जाना है अभी हमको। और यहाँ पे व्यू है ना, काफ़ी चुम्बेश्वरी व्यू है यहाँ से, ये देखो आप, लाइटिंग्स भी काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सनसेट पॉइंट पे जो कि दीव में है, और यहाँ पे INS कुकरी जो शिप थी, पहला ही व्लॉग था मेरा, उसका छोटा सा वर्जन यहाँ पे रखा हुआ है डेमो पीस, तो अभी ऊपर जाके वो भी दिखाऊंगा आपको। तब तक लो लाइट काफ़ी है यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको लेकिन मज़ा बहुत आएगा यहाँ पे। चारों तरफ से समंदर के बीच में, और यहाँ से जो सनसेट दिखता है ना भाई, बहुत ही मस्त व्यू है। और हम लोग लेट पहुँचे थोड़ा, तो सनसेट तो पूरा हो चुका है, सूरज पूरा डूब चुका है, तो उसका कुछ देखने नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह है ना, लाइटिंग्स वगैरह की हुई है, ये सब बहुत ही चुम्बेश्वरी है, ये मज़ा आ जाएगा आपको। पीछे जो व्यू है ना भाई साहब, कोई जस्टिस नहीं कर सकता इस व्यू को, ये देखो आप, लाइटिंग्स भी अच्छी है यहाँ पर। गाइस आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।